हमारे जीवन में बांस के इतने सारे उपयोग हैं कि इसे हरा सोना कहा जाता है। बांस सदियों से भारतीय संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसके महत्व को इस बात से समझा जा सकता है कि आज विश्व भर में बांस से लगभग 1300 से ज्यादा वस्तुओं का निर्माण हो रहा है। सन 2018 से पहले बांस वृक्ष की श्रेणी में आता था, अतः बांस को एक राज्य से दूसरे राज्य ले जाने में ढेर सारी कानूनी अड़चनें थी और इसके लिए वन विभाग से अनुमति की भी जरूरत पड़ती थी। पर अब सरकार ने संसद में कानून पारित कर इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927 में संशोधन कर दिया है, जिसके बाद बांस को अब पेड़ की श्रेणी से हटा लिया गया है। अब ये घास की श्रेणी में है। अब जंगल के बाहर के इलाकों में निजी क्षेत्र द्वारा बांस को उगाना, काटना और ढुलाई करना आसान हो गया है, क्योंकि अब कानून के हिसाब से बांस पेड़ नहीं बल्कि सिर्फ एक घास है। देश में बांस से जुड़े उद्योग बहुत बड़े स्तर पर पनप रहे हैं। खासकर देश के उत्तर पूर्व क्षेत्र तो बांस के उत्पादन में नए आयाम स्थापित कर रहे हैं। धीरे धीरे बांस असीमित रोजगार देने वाला क्षेत्र बन रहा है। बांस के व्यवसाय से छोटे किसानों से लेकर बांस से जुड़े दस्तकार सभी लाभान्वित हो रहे हैं। परंतु बांस से जुड़े व्यवसाय में कई जोखिम भी हैं, जिसे जानना उद्यमियों के लिए बेहद जरूरी है। अगर हमें इन जोखिमों की जानकारी होगी तो हम अपने व्यवसाय को सुचारू रूप से चला सकेंगे और उन जोखिमों से होने वाले नुकसान से बचा जा सकता है। भारत के वन क्षेत्रों में बांस प्रति हेक्टेयर 3 से 4 टन तक होती है। वहीं बांस की खेती के जरिए इसकी उपज लगभग 75 टन प्रति हेक्टेयर प्रति वर्ष तक हो रही है। आधुनिक तकनीक एवं वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से बांस की उत्पादकता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। बांस की उत्पादकता बढ़ाने के लिए नेशनल बैम्बू मिशन एक अहम भूमिका निभा रहा है। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्र में आधुनिक प्रणाली के द्वारा टिश्यू कल्चर से नई पौध तैयार की जाती है और उसे उगाने के तरीकों की जानकारी भी दी जाती है। बांस उद्योग से जुड़े लोगों का मानना है कि आज भारत में अच्छे किस्म के बांसों की भारी कमी है। बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से इसमें नवीन प्रयास जारी है, जिससे बांस व्यवसाय को पर्याप्त मात्रा में उच्च किस्म का कच्चा माल मिल सके। यदि हम बांस के वैल्यू चेन की बात करें तो इसमें बांस की खेती से जुड़े किसानों का महत्व सबसे अधिक है, परंतु सही जानकारी के अभाव के चलते किसान बांस की व्यावसायिक खेती नहीं कर पा रहे हैं। उनके द्वारा उगाए गए बांसों के सही कीमत भी उन्हें अक्सर पता नहीं चल पाती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा जारी नियमों के बारे में किसानों को जानकारी हो एवं बांस से जुड़ी सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं और व्यवसायी किसानों के संपर्क में रहें। बांस के व्यवसाय से जुड़े लोगों को बाजार के बारे में जानते रहना चाहिए। मशीनी प्रयोग के लिए बांस उद्योग में आज भी प्रशिक्षित मजदूरों और कारीगरों की भारी कमी है। पारंपरिक हुनर के अलावा आधुनिक मशीनों के साथ काम करने की दक्षता बांस उद्योग को बहुत आगे ले जा सकती है। इसके लिए जरूरी है कि सरकार द्वारा दिए जा रहे प्रशिक्षण का लाभ उठाएं और नए नए तकनीक के बारे में जानें। नए नए औजारों की सहायता से उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है। बांस उद्योग का एक दूसरे से संपर्क यानी लिंकेज ना होने की वजह से उत्पादक को प्रसंस्करण श्रृंखला के सभी पहलुओं को स्वयं करना पड़ता है। इनके द्वारा प्राइमरी और सेकेंडरी प्रोसेसिंग स्वयं करने के चलते वह किसी भी एक पहलू में बड़े स्तर की दक्षता हासिल नहीं कर पा रहे हैं। यही वजह है कि बांस उद्योग में विशेषज्ञता की कमी है। इसके लिए जरूरी है कि बांस के उत्पादन से लेकर अंतिम उत्पाद बनने तक की समझ इससे जुड़े व्यवसायी के पास हो
और जिस भी खास क्षेत्र में वह काम कर रहा है उसकी पूरी समझ उसे होना चाहिए। बांस से बने वस्तुओं में अक्सर फफूंद या फंगस लग जाने की समस्या आमतौर पर देखी जाती रही है। बांस का उपयोग करने से पहले इसका ट्रीटमेंट कर फफूंद से बचाव किया जा सकता है, लेकिन ये ट्रीटमेंट सेंटर हर जगह उपलब्ध नहीं है। ऐसे ट्रीटमेंट सेंटर खोलने की पहल करने की जरूरत है। ट्रांजिट परमिट राज के दौरान ज्यादातर बांस उद्योग बांस के वनों के पास लगाए गए थे, इसके चलते आज ये शहरी बाजारों से काफी दूर हो गए हैं। परिणाम स्वरूप तैयार माल की ढुलाई से वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी हो जाती है और इससे भी बांस उद्योग को नुकसान उठाना पड़ रहा है। बड़े स्तर पर बांस को जुटाकर ट्रांसपोर्ट लागत में कमी लाई जा सकती है। इसके अलावा इसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग को बांस क्षेत्रों के और सेकेंडरी प्रोसेसिंग यूनिट को बाजार क्षेत्रों के पास स्थापित करके भी ट्रांसपोर्ट की लागत को कम किया जा सकता है। आज के समय में किसी भी वस्तु की व्यावसायिक सफलता इस बात पर भी निर्भर करती है कि वह एक समय में बाजार के कितने हिस्से में उपलब्ध है। रिटेल चेन के माध्यम से आज बांस से बनी वस्तुओं को आसानी से ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। हम अपने उत्पाद को ई रिटेलर्स के माध्यम से आसानी से बेच सकते हैं। नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन NSDC भी कई तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करती है, जिनमें ई रिटेलिंग और सोशल मीडिया मार्केटिंग के बारे में प्रशिक्षण प्राप्त किया जा सकता है। इन तमाम सावधानियों और जानकारियों को अपनाकर हम अपने बांस से जुड़े व्यवसाय को और सफल बना सकते हैं।